हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज टू चल रहा है। ई पाठशाला का फेज टू 21 सितंबर 2020 से चल रहा है। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पर विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है। निरीक्षण टीम में 3 सदस्य आते हैं, जिनमें से एक खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, एक सदस्य डायट से आते हैं और एक एआरपी होते हैं। हमारे यहाँ पर जो निरीक्षण चल रहा है, उसमें टीचर्स से भी बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि शिक्षण योजना बनाई जा रही है या नहीं। अगर बना रहे हैं तो दिखाइए आप कौन से रजिस्टर में शिक्षण योजना बना रहे हैं। और फिर एक बात और पूछते हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज टू से संबंधित जो शिक्षण सामग्री बच्चों के अभिभावकों के व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही है, उसका ब्यौरा दिखाओ कि इस दिन आपने क्या भेजा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज टू का रजिस्टर दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही यही बताऊँगा कि इस रजिस्टर को कैसे मेनटेन करना है। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं YouTube पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897 66 8080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज टू का रजिस्टर, जो कि कक्षा 8 का बनाया गया है। तो साथियों, सबसे पहले, क्योंकि मैं कक्षा 8 को ही पढ़ाता हूँ और कार्ड का ही मैं मटेरियल भेजता हूँ, तो मैंने इसी का रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। इसमें मैंने इस तरह से कॉलम बनाए हुए हैं, दिनांक, दिन, कक्षा, विषय और अभिभावक के साथ साझा की गई शिक्षण सामग्री। 21/9/2020 से स्टार्ट किया है ये। 21/9 को सोमवार का दिन था। इस दिन हमने हिंदी में वीणा वादिनी वर्दे, गणित में परिमेय संख्याएँ और अंग्रेजी रेनबो में Lesson 1 अनोदर चांस का कार्य बच्चों को उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया था और मंगलवार में इन्हीं को रिपीट किया था, क्योंकि सोमवार में जो कार्य देते हैं वही मंगलवार में भी बच्चों को रिपीट कराते हैं। इसके बाद फिर 23 तारीख यानी कि 23 सितंबर 2020 बुधवार में हमने सामाजिक विज्ञान में पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन से संबंधित काम दिया था और विज्ञान में पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति से संबंधित कार्य बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके व्हाट्सएप पर भेजा था। 24 तारीख दिन गुरुवार, इस दिन हमने बुधवार वाले काम को ही रिपीट किया था, यही काम दिया था। इसके बाद 25 तारीख 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, इस दिन गणित में इकाई 2 वर्गमूल का काम दिया था और अंग्रेजी में लेसन द काबुली वाला, इससे संबंधित कंटेंट बच्चों की व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था। इसके बाद 25 तारीख 25/9/2020 शुक्रवार विज्ञान, इसमें पाठ मानव निर्मित वस्तुएं का कंटेंट बच्चों के अभिभावकों की व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किया था और शनिवार के दिन हमने इसी काम को रिपीट किया था, जो शुक्रवार में काम दिया था वही कार्य बच्चों को शनिवार में रिपीट कराया था। 27 सितंबर का संडे था। फिर 28 सितंबर 2020 में हमने दिन सोमवार हिंदी में पाठ काकी से संबंधित कार्य दिया था, गणित में पाठ घनमूल का बच्चों के व्हाट्सएप पर कंटेंट भेजा था और अंग्रेजी में लेसन द राइट चॉइस से संबंधित कंटेंट उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया था। इसके बाद 29 सितंबर 2020 मंगलवार, इसमें सोमवार में दिए कार्य को ही हमने रिपीट किया था। फिर आता है
30 सितंबर 2020 दिन बुधवार। सामाजिक विज्ञान में पाठ, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेज भारत में कब और क्यों आए थे, इससे संबंधित कार्य बच्चों के अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया था। विज्ञान में पाठ परमाणु की संरचना से संबंधित कंटेंट बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया था। अब आता है 1 अक्टूबर दिन गुरुवार। इस दिन हमने जो काम बुधवार में दिया था वही कार्य हमने गुरुवार में रिपीट किया था। 2 अक्टूबर शुक्रवार। इस दिन हमने पाठ घनमूल, गणित में पाठ घनमूल, अंग्रेजी में लेसन 3 द राइट चॉइस और विज्ञान में पाठ परमाणु की संरचना से संबंधित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया था। तो साथियों, अगर आपने ये रजिस्टर अभी नहीं बनाया है तो इस वीडियो की हेल्प से आप कक्षा 8 का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर बना सकते हैं। अब आती है डेट 3 अक्टूबर दिन शनिवार। इसमें हमने शुक्रवार में दिए गए कार्य को ही दोहराया था, वही कार्य रिपीट किया था। 4 अक्टूबर दिन संडे। 5 अक्टूबर दिन सोमवार। हिंदी में पाठ वंदना, गणित में बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड और अंग्रेजी में लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज, इससे संबंधित कार्य जो हमारा विद्यालय का ई पाठशाला का ग्रुप है उस पर हमने प्रेषित किया था। इसके बाद 6 तारीख दिन मंगलवार, कक्षा 8 हिंदी में पाठ वंदना, गणित में बीजीय व्यंजकों का भाग व गुणनखंड और अंग्रेजी में लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज, इससे संबंधित कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था। 7 तारीख 7 अक्टूबर दिन बुधवार, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ संसाधन और विज्ञान में पाठ खनिज एवं धातु, ये कार्य हमने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किया था। 8 तारीख 8 अक्टूबर विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ संसाधन और विज्ञान में खनिज एवं धातु, यानी कि जो कार्य बुधवार में दिया था वही गुरुवार में रिपीट किया था। 9 तारीख 9 अक्टूबर शुक्रवार, गणित में बीजीय व्यंजकों का भाग व गुणनखंड, अंग्रेजी में लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज और विज्ञान में पाठ खनिज एवं धातु, इससे संबंधित कंटेंट हमने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया था। और 10 तारीख को यानी कि 10 अक्टूबर इसी कार्य को हमने रिवाइज किया था, यही कार्य बच्चों को शनिवार में भी करने के लिए दिया था। 11 अक्टूबर का संडे था। अब आती है डेट 12 यानी कि 12 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार, कक्षा 8 में पाठ पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, गणित में पाठ संख्याओं का खेल और अंग्रेजी में लेसन 5 प्ले थिंग। 13 तारीख दिन मंगलवार, इसमें हमने सोमवार में दिए गए कार्य को ही रिपीट किया था। 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारा लोकतंत्र, विज्ञान में पाठ खनिज एवं धातु और यही कार्य हमने 15 अक्टूबर 2020 को रिपीट किया था। जो कार्य बुधवार को देते हैं वही गुरुवार में भी रिपीट होता है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार, गणित में पाठ संख्याओं का खेल, अंग्रेजी में लेसन नंबर 6 ओसम आसाम, विज्ञान में पाठ सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, इससे संबंधित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप पर सेंड किया था। 17-10-2020 दिन शनिवार, इस दिन जो कार्य शुक्रवार में दिया था वही काम बच्चों को शनिवार में भी रिपीट कराया था। 18 तारीख का संडे था। 18 अक्टूबर 2020 संडे आ गया। 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार, हिंदी में जो अनिवार्य स्थिति है उसका पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति और गणित में पाठ युगपत समीकरण और अंग्रेजी में लेसन नंबर 6 ओसम आसाम। मंगलवार 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार, हिंदी में पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति
और गणित में पाठ युगपत समीकरण और अंग्रेजी में लेसन 6 ओसम आसाम, यानी कि जो सोमवार में कार्य दिया था वही मंगलवार में भी रिपीट कराया था। 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, सामाजिक विज्ञान में पाठ भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और विज्ञान में पाठ कोशिका से अंगतंत्र तक, यह कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर दिया था। 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार, इस दिन हमने जो काम बच्चों को बुधवार में दिया था वही काम गुरुवार में भी रिपीट किया था। 23-10-2020 दिन शुक्रवार, गणित में युगपत समीकरण, अंग्रेजी में लेसन 6 ओसम आसाम और विज्ञान में कोशिका से अंगतंत्र तक, यह कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर भेजा था। 24-10-2020 दिन शनिवार, इस दिन हमने शुक्रवार में दिए गए कार्य को ही रिपीट कराया था। 25-10-2020 ये संडे आ गया था इस दिन। इसके बाद 26-10-2020 दिन सोमवार, कक्षा 8 हिंदी में पाठ अपराजिता और गणित में युगपत समीकरण और अंग्रेजी में लेसन वीर अब्दुल हमीद, इससे संबंधित कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था। 27-10-2020 मंगलवार में जो काम सोमवार में दिया था वही मंगलवार में रिपीट किया था। इसके बाद 28-10-2020 दिन बुधवार, सामाजिक विज्ञान में पाठ कृषि एवं सिंचाई, विज्ञान में पाठ जंतुओं में जनन, और फिर 29-10-2020 गुरुवार में बुधवार में दिए गए कार्य को रिपीट किया था। 30-10-2020 दिन शुक्रवार, गणित में युगपत समीकरण, विज्ञान जंतुओं में जनन और अंग्रेजी में लेसन नंबर 7 वीर अब्दुल हमीद, इससे संबंधित कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था। 31-10-2020 दिन शनिवार, कक्षा 8 गणित में युगपत समीकरण, विज्ञान में जंतुओं में जनन और अंग्रेजी में लेसन नंबर 7 वीर अब्दुल हमीद, यानी कि जो कार्य शुक्रवार में दिया था वही कार्य शनिवार को रिपीट कराया था। इसके बाद संडे आ गया और 2 तारीख यानी कि 2 नवंबर दिन सोमवार, हिंदी में बिहारी के दोहे और गणित में समांतर रेखाएं, अंग्रेजी में लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इससे संबंधित कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था। 3-11-2020 दिन मंगलवार, हिंदी में बिहारी जी के दोहे, गणित में समांतर रेखाएं और अंग्रेजी में लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इस कार्य को बच्चों के व्हाट्सएप पर सेंड किया था। 4-11-2020 बुधवार, सामाजिक विज्ञान में भारत कृषि एवं सिंचाई, विज्ञान में जंतुओं में जनन, ये कार्य बच्चों को व्हाट्सएप पर प्रेषित किया था। 5-11-2020 दिन गुरुवार, इस दिन हमने जो काम बच्चों को बुधवार में दिया था वही गुरुवार में भी रिपीट किया था। 6-11-2020 दिन शुक्रवार, गणित में समांतर रेखाएं, विज्ञान में किशोरावस्था और अंग्रेजी में लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यह कार्य बच्चों को दिया है। 7-11-2020 शनिवार यानी कि कल, कक्षा 8 में समांतर रेखाएं, विज्ञान में किशोरावस्था और अंग्रेजी में लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यह कार्य बच्चों को देना है, यानी कि शुक्रवार में दिए गए कार्य को ही शनिवार में रिपीट कराना है। तो साथियों, यह था कक्षा 8 का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर। अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो आप भी इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।